हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक जो है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हल्का सा डिफरेंस भी आप लोग को बता दिया था। तो ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक रिविज़न करवा देता हूँ। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कुछ समय के लिए पैसे रखते हैं। मान लीजिए कि टाइम आपको दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी दिया जा सकता है, मान लीजिए 5% या तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रेट दिया गया है, तो ठीक है। और प्रिंसिपल मान लीजिए आप बैंक प्रिंसिपल है रुपीज़ आपका 2000 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है 2000 रुपीज़ आपका है। देखिए हर साल 5 साल के लिए रख रहे हैं आप, हर साल के एंड में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो I1 मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये PTR/100, ठीक है। प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, टाइम है 1 ईयर, क्योंकि हम हर एक साल के लिए कर रहे हैं, ईच ईयर के लिए कर रहा है। रेट है 6% अपन 100, तो ठीक है। आप ये ज़ीरो कैंसिल कीजिए, ये ज़ीरो और ये, तो यहाँ पे रह गया 6×20, 620 ज़ा तो रुपीज़ कितना, एक साल में आपको मिलेगा 120 रुपये का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, हर साल के एंड में, ये पहले आपको आप 2000 रुपीज़ लिए थे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये 120 रुपीज़ ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा आपका P+I1, तो हो जाएगा 2000+120, 2120 रुपीज़, ये हो गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ठीक है। उसमें फिर क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, वो अमाउंट जो है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में आपको जो अमाउंट मिला थर्ड ईयर के शुरू में वो फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जो अमाउंट होगा तो फोर्थ ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर जो प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट होगा वो फिफ्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, फिफ्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। और 5 साल के एंड में, 5 साल के बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट से आप पहले 2000 रुपीज़ आप डिडक्ट करेंगे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला तो वही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही है, ठीक है। जो दिया गया प्रिंसिपल है उससे उसको आप अमाउंट से डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए डिफरेंस हल्का सा यही है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के सेम प्रिंसिपल के ऊपर आपका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। वही 2000 रुपीज़ के लिए अब एक साल के लिए आपको 120 रुपीज़ मिला, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही मिलेगा, 120 ही मिलेगा। थर्ड ईयर के लिए भी 120 मिलेगा, फोर्थ ईयर के लिए भी 120, और फिफ्थ ईयर के लिए भी 120, और 2000 रुपीज़ था आपका प्रिंसिपल था, ठीक है। तो 2000 ये होगा 600, तो 2600 यहाँ आपका क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स यू विल गेट 2600 एज एन अमाउंट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के एंड में 120 रुपये आपको मिलेगा, 2000 में ऐड होगा, और सेकेंड ईयर के लिए 2120 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल होगा, उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा, और थर्ड ईयर के लिए फिर ऐड होता जाएगा, और ऐसे ऐसे होते होते फिफ्थ ईयर के एंड में आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, मैंने आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट फार्मूला ये अमाउंट का फार्मूला मिलने वाला है। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ पे का मतलब है प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट इज द टाइम गिवन टाइम, ठीक है। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए, आपको क्या निकालना होगा, पहले अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट निकालने के बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीधा आपको अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट से आप अगर प्रिंसिपल डिडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपको पता ही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, PTR/100। और दूसरा आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और देखिए ये अमाउंट वाला फार्मूला आपको थ्री केसेस मिल सकता है यहाँ पे। एक तो होगा कंपाउंडेड एनुअली, तो ये हर कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कंपाउंडेड ईयरली भी बोला जा सकता है कभी कभी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, ईयरली और एनुअली का मतलब होता है हर साल के, हर एक साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट लगा है वो प्रिंसिपल में ऐड होकर नेक्स्ट ईयर के लिए उसे एज अ प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा। एट द एंड ऑफ एवरी वन ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी वन ईयर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर वो ये प्रोसेस हर एक एक साल में अगर रिपीट होता हो तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कंपाउंडेड एनुअली, क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, और समटाइम्स क्या लिख सकता है, ईयरली भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर हर 6 महीने में आपको कैलकुलेशन प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट लगा हुआ है उसको ऐड किया जाए तो कंपाउंडेड क्या बोला जाएगा, उसको हाफ ईयरली बोला जाएगा। उसमें अमाउंट का फॉर्मूला तो हल्का सा चेंज होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1+R, ये हल्का सा मैं पहले पता, टाइम होगा हाफ ईयर, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, ऐसे इस तरह का टाइम आपको दिया जाएगा, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स में आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसलिए आप हम या क्या क्या करते हैं, टाइम को हम 2 टाइम्स करते हैं, डबल कर देते हैं, और रेट को उसका हाफ कर देते हैं, तो नीचे हाफ ले जाने से 2 × 2 × 100 हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे ना करके आप ये 100 की जगह आप लिख सकते हैं 200। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर 6 महीने में आपका कैलकुलेशन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, और 6 महीने के बाद आपको क्या होगा, वो अमाउंट जो मिला है 6 महीने के बाद उसको फिर एज ए प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो उस केस के लिए अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने में, तो आपको ये फार्मूला हो जाएगा 1+R, नीचे हो जाएगा क्वार्टरली, 400 आ जाएगा, इसे ऊपर 40। ये क्या है, ये वाला केस है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है, एक चौथाई का मतलब 25%। तो एक साल का क्वार्टर क्वार्टर टाइम कितना होता है, 3 मंथ्स, क्योंकि एक साल में आपका 12 महीना होता है, 12 मंथ्स होता है, तो एक चौथाई मतलब 25% मतलब 3 मंथ्स। तो हर 3 महीने में जब आप कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड करता जाएंगे हर हर 3 महीने में, तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई होगा। तो ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो वही फार्मूला है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले आपको निकालना होगा अमाउंट, अमाउंट निकल लेके आपको थ्री डिफरेंट केसेस मैंने दे दिया है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है, हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता जाता है कभी कभी। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए R1, सेकेंड ईयर के लिए R2, थर्ड ईयर के लिए R3, चलिए थ्री ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, पहले साल के लिए R1, दूसरे साल के लिए R2, थर्ड ईयर के लिए R3 रेस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। उस केस में भी आपका, क्योंकि हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो टाइम तो इसके लिए टाइम कितना है, एक साल, इसके लिए टाइम कितना है, एक साल, इसके लिए टाइम कितना है, एक साल, लेकिन टोटल टाइम ये तीनों
फर्स्ट एक साल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा, सेकेंड ईयर के लिए ये, थर्ड ईयर के लिए ये, तो टोटल टाइम तो आपका 3 ईयर होगा लिया। लेकिन 3 ईयर का आपको यहाँ पे ब्रेक करके अप्लाई करना होता है। तो देखिए उस केस में भी आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर वन अपॉन 100 ये फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे वन सोच लीजिए, वन प्लस आर टू अपॉन 100 यहाँ पे भी वन सोच लीजिए, वन प्लस आर थ्री अपॉन 100 यहाँ पे भी वन सोच लीजिए। लेकिन वन तो हमेशा होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे वन है ही ना, लिखे तो भी यहाँ पे वन है। तो ठीक है, ये है आपका, ये है आपके लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और भी कई साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 साल के लिए मान लिया। आप 4 साल के लिए भी मान सकते हैं, अगर 4 साल के लिए आप मानते हैं तो वन प्लस आर फोर ओवर 100 यहाँ पे होगा। अगर अलग अलग हर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए तो हर साल के लिए, तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये था फार्मूला के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोग को आगे ले जाता हूँ, आगे लेके जाता हूँ, प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पहले लाइन में आपको साफ कर दिया गया है कि क्या पूछ रहा है, आपको फर्स्ट लाइन में समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पूछ रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमेशा मैं सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले उसको लिखिए। तो क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है ₹10,000, टाइम कितना दिया गया है, ये ईयर में दिया गया, ऑब्वियसली ईयर में दिया हुआ तो टाइम ही है, टाइम ईयर्स। तो जो परसेंटेज में दिया जाता है वो तो रेट ही होता है हमेशा, नो कन्फ्यूज़न। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ध्यान पे ध्यान से आप देखेंगे तो पी भी दिया गया, टी भी दिया गया, आर भी दिया गया, तो क्या नहीं दिया गया है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया गया है और अमाउंट नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब है, इसलिए पहले हम अमाउंट निकालते हैं। जब भी आप फार्मूला लिखेंगे अप्लाई करने के लिए तो हमेशा विनो लिखिए, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर ओपन 100 टू द पावर टी है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अगर इज इक्वल टू वाला प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो आगे हमेशा और लिखिए, या तो ये वाला एरो दीजिए, इसका मतलब है दैट मीन्स और इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट और दैट मीन्स सेम थिंग। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000, वन प्लस आर कितना दिया गया, 5/100 टू द पावर टाइम कितना है, तो ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए आपको 5/100 में अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 5 5 20 100, 5 20 100 यहाँ पे आप 10,000 लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1/20 to the power 2। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है 1 + 1/20 है, क्योंकि ये दो तो फ्रैक्शंस हैं, आप ये दो नंबर्स का आप ऐड कर रहे हैं, तो नीचे का नंबर का हमेशा आप क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एल सी एम 1 और 20 का एलसीएम हमेशा 20 होता है, तो 1 से 20 को 20 टाइम्स 20 × 1 20 है, तो 20 से 20 को 1 टाइम्स 1 × 1 1, तो हो गया 20 + 1 = 21 और नीचे 20। तो ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 21/20।
बैठे। ठीक है, मैं इसको ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऊपर में यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा मैं। तो कंटिन्यू में यहाँ पे कर रहा, देखिए आई इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ए इज इक्वल टू हो रहा है आपका 10,000 तो है ही, और इसका वैल्यू कितना हुआ, 21/20 स्क्वायर, कितना हुआ 21/20 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके क्या सोचना है, यहाँ पे इनटू है तो 21/20 स्क्वायर का मतलब कितना है, ये 10,000 तो 10,000 ही होगा, 21 2 टाइम्स 21 इंटू 21, और 20 भी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 20 इंटू, दोनों को पावर 2 था, 2 है। ठीक है, आप इस तरह के नीचे में जीरो वाला नंबर है तो पहले जीरो काट लीजिए, एक जीरो को कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पे भी आप शुरू से नहीं लास्ट से काटिए, तो और भी एक जीरो है, तो क्या रह गया, देखिए 2 2 4 रह गया ऊपर में 100। तो ठीक है, यहाँ पे रह गया आपको 100 21 21, और नीचे 2 2 4 लिख सकते हैं, और 4 से 100 का आपको ये आपको काटना होगा, 4 1 4 4 into 25 100। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, क्या रह रहा है, देखिए एक बार लिखिए 25 into 21 into 21, तो 25 को ऐसे रखिए आप, 21 21 141, और 25 से 441 का मल्टीप्लाई कीजिए, 25 125 5, तो क्या रहेगा 25 4 100 2 ऐड करने से 102, तो 10 रह गए, 102 भी आप 2 लिखेंगे तो 25 4 100 और 10 ऐड करने से 110, तो कितना होगा यहाँ आपका 11,025 होगा, कितना हो गया आपका अमाउंट, हो गया ये क्या था हमारा, ये अमाउंट है, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए ये सब क्या क्या निकल रहे थे हम, अमाउंट, तो अमाउंट तो निकल गया, तो हम लोगों के पास क्या है, प्रिंसिपल भी 10,000 है, तो आप अगर अमाउंट से प्रिंसिपल डिडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा आपके लिए, क्या निकलेगा, वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 11,025 माइनस 10, अब डिडक्ट करेंगे तो 1,025 रुपीज़ आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1,025 रुपीज़ आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये था फर्स्ट प्रॉब्लम, और आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रॉब्लम की ओर। दूसरा नंबर ये है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए अ मैन इन्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज़ 46,875 for 3 years at 4% compound interest per annum. What will be the amount at the end of second year? तो देखिए यहाँ पे एक आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 46,875 रुपीज़ फॉर 3 years, 3 साल के लिए, और रेट दिया गया है आपको 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन वो आदमी व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वो आदमी पैसा 3 साल के लिए ना रख के 2 साल में वो पैसे निकाल रहा है, डिपॉजिट करके 2 साल के बाद निकाल रहा है, तो अमाउंट कितना मिलेगा, वो आदमी का अमाउंट कितना मिलेगा, वो निकालना है आप। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं, देखिए गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया था आपको कितना रुपीज 46,875, टाइम कितना दिया गया आपको 3 ईयर्स, रेट कितना दिया गया आपको, रेट दिया गया है आपको 4%। नाउ वी नो, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट निकलना है
लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आदमी 3 साल के लिए पैसा तो रख रहा था, लेकिन क्या कर रहा है, ही इज़ विदड्रॉइंग द मनी आफ्टर 2 ईयर्स। द मनी आफ्टर 2 ईयर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 2 ईयर्स हो गए। तो वे नो, हमें फार्मूला वहीं अप्लाई करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P(1+R)100^T। ठीक है, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो क्या वैल्यू पुट कीजिए, 46,875 1+R का यहाँ है 4 100, तो 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे आप। ठीक है, 2 4 1 4 4 25। ठीक है, ये 1 और 25 का LCM किस तरह से करना है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। मैं आपको ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको यहाँ समझना होगा। 25 LCM हो गया, तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, 25 आएगा, 1 आएगा और स्क्वायर आएगा। मैं ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ इसे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू 46,875, तो नीचे 20, ऊपर 26, नीचे 25 का स्क्वायर, 20 ऊपर होगा 26 × 26, नीचे 25 × 25। आप यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं ये नंबर का 5 के साथ, 5 5 = 25, पहले 4 को नहीं जाएगा, 46 को 5 9 = 45, 18 हो गए, 5 15, 37 हो गए, 5 7 = 35, 5 5 = 25। तो और एक बार 5 1 = 5, तो 5 1 = 5, 43 रहेगा, 5 5 = 40, 37 रहे, 5 7 = 35, और 2 5, 5 5 = 25। तो देखिए क्या रह गया यहाँ पे, 1875 × 26 × 26, और नीचे और रह गया है 25, और काट सकते हैं यहाँ पे, पास 5 5 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 5 5 है, तो आप काट सकते हैं 5 से, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 18 यहाँ पे 3 रहेगा, 37, 5 7 = 35, 2 रहेगा, 5 5 =, और भी काट सकते हैं स्टिल, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 37 है, 2 रह गए, 25 हो गए, 5 5 = 25। तो क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, 75 × 26 × 26। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा आपको, तो 26 × 26 676 होगा, और 676 × 75 करेंगे तो आपको मिलेगा 5 0 7 0 0, कितना मिलेगा, रुपीज़ 5 0 7 0 0 मिलने वाला है यहाँ पे आपको। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। तो ठीक है, ये सब आपको समझ में आया हो, तो ये तो एग्जैक्ट वही आंसर निकल गया हमारा, कि 2 साल के बाद उसे कितना अमाउंट मिलने वाला, क्योंकि उसने रखा था 46,875 3 साल के लिए रखा था, लेकिन वो 2 साल में क्विट कर रहा है, निकाल रहे हैं पैसे, तो वो 2 साल में अगर विड्रॉ करता है तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना अमाउंट उसको हाथ में मिलने वाला है। सो दिस इज द अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, तो ये है, स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम
एट द रेट ऑफ 4% पर एन एम फॉर 2 ईयर्स इज 80 रुपीज़। फाइंड द सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो एवरी ईयर में हो रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली वाला केस है। तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया है कि किसी भी अमाउंट में, ठीक है, 2 साल के अंदर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 80 रुपीज़ है, तो ठीक है, तो हमें निकालना है वो पैसा कितना है, व्हाट इज़ द अमाउंट, फाइंड द सम। तो पहले आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया वो इंफॉर्मेशन लिखिए यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए। गिवन क्या दिया गया, रेट तो 4% ऑब्वियसली दिया गया है यहाँ पे, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, और आपको दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है ₹80। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, लेकिन हम लोग को क्या पता नहीं, प्लीज़ इग्नोर, यह क्या है क्वेश्चन मार्क है इसका, हमें वैल्यू पता नहीं, तो ये निकालना है। तो कहिए चलिए क्या करते हैं, हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं, तो ठीक है, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया गया है, 80 रुपीज़ दिया गया है, और उसके बाद ये आपको मिलने वाला है। तो पी को हम चलिए क्या मानते हैं यहाँ पे, एक्स, ब्रैकेट में लिखिए सपोज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट प्रिंसिपल भी रुपीज एक्स, चलिए आप मानते हैं कि रुपीज एक्स रुपये है प्रिंसिपल हमारा, तो ठीक है रुपीज एक्स है हमारा प्रिंसिपल। तो पहले फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला केस, फर्स्ट केस करते हैं, चलिए दो केस अलग अलग कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस या तो फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू पी टी आर वाई 100, ये हमें पता है ना, I इज इक्वल टू पी टी आर वाई 100, इसका वैल्यू पुट कीजिए, I कितना है x, टाइम कितना है 2, R कितना है 4, और नीचे कितना है आपका 100, तो ठीक है 4 100 का आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 4 4 25 100, 2 और 25 तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 2x/25। तो ये क्या है, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आपको कितने मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2x/i। इसको यहाँ पे बॉक्स में लिखिए, ये बाद में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, तो सेकंड केस में क्या है, वही नो हमें फार्मूला पता है, अमाउंट वाला फार्मूला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू डी पावर टी है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे आपको, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे, आपने माना है प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स 1 + r, कितना दिया गया आपको 4/100, टाइम कितना है 2, तो यही हो गया कैंसल आउट होके, तो ये होगा 26/25 स्क्वायर, तो 26/25 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट हो गया। तो आपको क्या निकालना है नाउ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, तो अमाउंट तो यही है आपका, क्या है अमाउंट
एक्स इंटू 26/25 स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल क्या है आपका एक्स। तो चलिए एक्स को आप कॉमन निकालते हैं तो क्या रह गया अंदर में, अंदर में रह गया है 26 स्क्वायर बाई 25 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो मैं उसे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर में, तो 1 रहेगा यहाँ पे 26 स्क्वायर। आपको कंपोनेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखिए x, अब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा एलसीएम 25 स्क्वायर होगा क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 1 और दूसरा नंबर का एलसीएम तो यही नंबर ही होगा। तो 25 स्क्वायर से 25 स्क्वायर 1 टाइम्स आएगा, 1 इंटू 26 स्क्वायर इज 26 स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहे तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट, तो 1 से 25 स्क्वायर को 25 स्क्वायर ही जाएगा, 25 स्क्वायर 1 था 25 स्क्वायर। अब ऐसे ना करके 26 स्क्वायर का सीधा वैल्यू 26 इंटू 26 नीचे 25 इंटू 25 का निकाल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू तो यही होता है 25 स्क्वायर का मतलब 25 इंटू 25। ठीक है, 25 स्क्वायर का मतलब है 25 इंटू 25। देखिए तो यहाँ पे x है इंटू 26 प्लस 25 इज 51 एंड 26 माइनस 25 इज ओनली 1, नीचे रहेगा आपका 25 इंटू 25 इज 625। तो मल्टीप्लाई कीजिए x वन जा x, x इंटू 51 इज 51x बाई 625। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे भी बॉक्स में लिखिए, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए बढ़ते आगे बढ़ते, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी आई माइनस एस आई कितना दिया गया है, रुपीज 80 दिया गया है। कंपोनेंट्स कितना है आपका 51x बाय 625, यहाँ पे होगा 2x बाय कितना है 25 था, ये पहला वाला बॉक्स याद कीजिए, ये सेकेंड वाला बॉक्स था। ठीक है, तो आ गया 80। तो यहाँ पे एलसीएम करते हैं 625 और 25 का एलसीएम आता है 625। 625 मतलब क्या है यहाँ पे 25 इंटू 25, तो हो गया 25 इंटू 25, ये एलसीएम हो गया। इससे इसको 1 टाइम 1 इंटू 51x, इससे इसको 25 टाइम्स 25 इंटू 2x 50x इज इक्वल टू 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया यहाँ पे। अब देखिए न्यूमिरेटर में, न्यूमिरेटर में 51x माइनस 50x क्या होगा 1x, क्योंकि 51 में 50 डिडक्ट होने से सब्ट्रैक्ट होने से 1 मिलेगा आपको, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा x लिख लीजिए हो जाएगा। तो नीचे 25 इंटू 25 और राइट हैंड साइड 80 ओपन 1। तो बीच में एज इक्वल्टी है तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले x वाला को इन्वॉल्व कीजिए, x वन जा एक्स एंड 25 इंटू 25 दिस इंटू दिस, तो हो गया 25 इंटू 25 इंटू 80, क्योंकि 25 इंटू 25 तो हमको पता है 625 होगा और 80 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो गया, 85 जो 40, 0 लिखिए, 4 कैरी ओवर, 82 जो 16 और 4 ऐड करने से 20 का 0 हाथ में 2 रह गया, 2 कैरी ओवर हो गया, 86 जो 40, 2 ऐड करने से 50,000 रुपीज, देयरफॉर
अब तो क्या मिला एक्स का वैल्यू 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपये वो प्रिंसिपल था जो वो आदमी ने रखा था, ठीक है, जिसका 2 ईयर्स में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो 80 रुपीज़ का डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी कितना भी प्रिंसिपल हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे सेम समय के लिए, सेम टाइम के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये था तीसरा प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलती है और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर आप लोग को किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड टाइम।